नारायण। नमस्कार दोस्तों, खबरशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के लगभग 1,70,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों को जिस तरह से भाजपा सरकार ने सौगात दी है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षा कर्मी संघ के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने समय से आप लोग संविलियन की लड़ाई को जो लड़ रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा सुकून तो सरकार ने आपको दिया है, लेकिन अब भी पूरी तरह से जो वास्तविकता आपके सामने है कि संविलियन की सिर्फ घोषणा हुई है, बाकी चीज़ें अभी बाकी हैं। निश्चित रूप से अमित जी, जिस तरीके से 10 जून को जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंबिकापुर के ऐतिहासिक सभा में घोषणा किया, पूरे प्रदेश में शिक्षा कर्मियों में हर्ष की लहर दौड़ गई और शिक्षा कर्मी एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर दिए और साथ ही साथ मिठाई एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिए, फटाखे फोड़ना शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऐतिहासिक घोषणा है। ऐतिहासिक घोषणा का ऐतिहासिक रूप से आपके कैबिनेट में भी यह पारित होना चाहिए। प्रदेश के शिक्षा कर्मियों में संशय की स्थिति है कि क्या समस्त शिक्षा कर्मियों का संविलियन होगा, क्या वेतन विसंगति को दूर करते हुए संविलियन होगा, क्या अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, तो तमाम प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जो है इस पूरे विषय को रखेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे संविलियन की जो घोषणा हुई है उसमें माननीय अभिषेक सिंह जी, राजनांदगांव सांसद जो है, जिनसे हमने 9 तारीख को कबीरधाम में मुलाकात किया था, वहां ही उन्होंने संकेत सिविलियन का दे दिया था, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार और साधुवाद मैं व्यक्त करता हूं 1,80,000 शिक्षा कर्मी एवं परिवार की ओर से। और आज हम जो है माननीय जो केदार कश्यप जी से यहां पर उनके निवास में भेंट किए, आभार व्यक्त किए, धन्यवाद ज्ञापित दिए किए, क्योंकि 23 वर्ष पश्चात हम शिक्षा विभाग में जो हमारी मूल मांग थी कि शिक्षा विभाग के मूल पदों पर सिविलियन किया जाए, वह पूरी हुई है। तो आज हम अपने मंत्री जो है विभागीय मंत्री उनसे मुलाकात किए हैं और यह निवेदन किए हैं कि किसी भी प्रकार के शिक्षा कर्मियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए और कैबिनेट में समस्त शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो वाला प्रस्ताव पारित हो और साथ ही साथ वेतन विसंगति को दूर करते हुए संविलियन किया जाए। और एक बहुत बड़ा विषय है अमित जी, प्रदेश में पदोन्नति शिक्षा कर्मियों का रुका हुआ है, तो पदोन्नति के जो पद हैं शिक्षा विभाग पंचायत विभाग को तत्काल सौंप दे ताकि प्रदेश के जो शिक्षा कर्मी हैं जो पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं उनका पदोन्नति हो सके। तो तमाम प्रकार के जो है हमने शिक्षा मंत्री से निवेदन किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी मैंने पद उपलब्ध करा दूंगा, आप लोगों का पदोन्नति हो जाएगा और सिविलियन का जो ड्राफ्ट है उसमें भी किसी भी प्रकार का किसी भी शिक्षा कर्मियों के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो आज हम यह क्रम जो है शिक्षा मंत्री से मिलकर शुरू किए हैं और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं सांसद महोदय हैं उनसे मुलाकात करेंगे और सभी विभागीय जो मंत्री हैं उनसे मिलकर हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। संविलियन की जहाँ से घोषणा हुई है उसके बाद थोड़ी सी संतुष्टि है या फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ों पर काम करना बाकी है, सब मानते हैं? निश्चित रूप से आज से 6 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा था कि संविलियन ना कभी हुआ है ना कभी होगा, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मंच पर संविलियन की घोषणा किए हैं जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उपस्थित थे, तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है और इसको हम सकारात्मक देखते हैं। किंतु जब तक प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को ये आश्वासन नहीं मिलता है कि मसौदा किस तरीके का तैयार किया गया है, तब तक जो है निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षा कर्मियों में संशय बनी हुई है। मैं प्रदेश के शिक्षा कर्मियों से अपील करना चाहता हूं कि मन में आप शंका रखिए, लेकिन प्रदेश के जो हम प्रतिनिधि हैं उन पर विश्वास रखें और हम माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों से आग्रह करना चाहते हैं कि मसौदा तैयार करने से पहले हम पदाधिकारियों को विश्वास मिले ताकि जो है प्रदेश के शिक्षा कर्मी एक भी शिक्षा कर्मी का अहित ना हो। निश्चित रूप से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संविलियन की घोषणा तो हो गई है, उसके बाद आज विरोध का स्वर मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो चुका है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति निर्मित ना हो, छत्तीसगढ़ में ऐसा मसौदा तैयार हो, ऐसा ड्राफ्ट तैयार हो कि जब आदेश निकले, कैबिनेट में जब प्रस्ताव मंजूर हो तो एक एक शिक्षाकर्मी को लाभ मिले, एक कोई भी शिक्षाकर्मी इससे असंतुष्ट ना हो, ये हमारी इच्छा है। और प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को हम फिर से भरोसा दिलाते हैं कि शिक्षक पंचायत नगरी निकाय मोर्चा शिक्षाकर्मियों के साथ अहित होने नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य के बाद छत्तीसगढ़ में भी संविलियन की घोषणा हुई है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि संविलियन का लाभ प्रदेश के 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षा कर्मियों को कब प्राप्त होता है। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राकेश के साथ अमित शर्मा, रायपुर। नारायण नारायण।